नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रोकली सलाद बनाएंगे, क्योंकि ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए हमें ब्रोकली और इसी ठंड के सीजन में मिलता है, इसलिए हमें ज़रूर खाना चाहिए। देखिए, आप सब्जी तो खाए होंगे, एक बार आप इसका सलाद बनाकर भी खाइए। देखिए, इसको इस तरह से छोटे छोटे काट लिए हैं और सभी को हम 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से हम धो लिए हैं। इसे हम उबालेंगे। उबालने से क्या होगा, इसका कीटाणु भी रहेगा वो भी नष्ट हो जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। ओके, पानी गर्म हो रहा है, इसमें हम ब्रोकली को डाल देंगे। इसे हम ढक्कन ढककर 2 मिनट के लिए उबालेंगे। देखिए, ब्रोकली को उबलते हुए 2 मिनट हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम पानी से निकाल लेंगे। देखिए, ब्रोकली सलाद बनाने के लिए हम सभी देखिए सभी सामग्री हम तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें हम 1 चम्मच देखिए घी डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसमें ऑलिव ऑयल या और भी कोई तेल यूज कर सकते हैं। इसमें हम पहले लहसुन 2-3 कलियाँ लहसुन और 1/2 इंच अदरक को हम कद्दूकस कर लिए हैं, इसे हम डाल दे रहे हैं। और देखिए, 1 प्याज को हम महीन काट लेंगे, इसे भी हम डाल दे रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, काजू, अखरोट, जो भी हो आपको, बड़ा बादाम है, काजू है, हम डाल रहे हैं, इसे भी हम डाल दे रहे हैं। आप और भी कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। देखिए, 1 शिमला मिर्च को 1/2 इंच का आकार में काट लिए और मटर लिए हैं, इसे भी हम डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो मटर की जगह पर आप चीज कम भी ले सकते हैं। इसे भी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, सब्जी को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इसको हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सलाद के रूप में खाना है, सिर्फ इसका कच्चापन को हटाएंगे। अब देखिए, ब्रोकली को जो हम उबाल कर रखे थे, इसे भी हम डाल दे रहे हैं। इसे हम ढक्कन ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे हम चेक भी करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, 1 मिनट हो गया और ब्रोकली भी पक के तैयार हो गया। अब इसमें देखिए, पनीर और 1 टमाटर लिए हैं, उसका हम बीजा निकाल दिए थे, उसे भी हम डाल दे रहे हैं और धनिया पत्ता भी डाल दे रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए और हम इसे पका लेंगे। देखिए दोस्तों, 1 मिनट हो गया और देखिए, ब्रोकली सलाद बनकर तैयार हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए दोस्तों, ब्रोकली सलाद को हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिए हैं। आप ब्रोकली सलाद मेरे तरीके से बनाइए और खाइए और एंजॉय करिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।